हे व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमीर, आप देख रहे हैं सेमी बिग ऑफिशियल। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर रिएक्शन वीडियो। सो भाई साहब, रोज के रोज ट्रैक आ रहा है यार। मुझे तो लगा था एक दिन का वक्फा होगा, यहाँ तो 2 दिन का भी नहीं है। मुझे 2 दिन का लगा था, एक दिन का भी नहीं है। और रोज ट्रैक एंड एल्बम फायर है ब्रो, बट द फैक्ट इज अंडररेटेड, बहुत अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा। रिटन एंड परफॉर्म, वन मैन आर्मी है ब्रो। कल बार बार कल वाली चीजें रिपीट करूंगा कि अप्रिशिएट करना है ब्रो। एंड आर्ट वर्क बाय सात जिला, गुड वन। एंड और ये कि भाई सुबह ही सुबह ट्रैक आ जाता है, तो सुबह सुबह उठ के देना पड़ता है। अभी क्या टाइम है, 12 बजे मेरे लिए सुबह ही है यार। सो या लेट्स चेक आउट द ट्रैक परवाज फ्रॉम द एल्बम लॉस्ट ड्रीम्स। बिलीव इन योर ड्रीम्स इवन वेन दे सीम लॉस्ट। सो परवाज, लेट्स चेक आउट द ट्रैक। ट्रैक में क्या होने वाला है कुछ नहीं पता। हर ट्रैक दूसरे से डिफरेंट है ब्रो, हर ट्रैक। ए डार्क वाली फीलिंग आ रही है। कहाँ थे अपने सारे जब खड़ा अकेला तू ढूंढ रहा था, कोई ना था पास तेरे जब मुसीबतों से तू जूझ रहा था। यस यस ब्रो, ये तो एक फैक्ट है, फैक्ट बता रहा है। कहाँ थे अपने सारे जब खड़ा अकेला तू ढूंढ रहा था, कोई ना था पास तेरे जब मुसीबतों से तू जूझ रहा था। खुद से ये पूछ रहा था कि आया ना कोई पास तेरे, जब ते खस्ता हालात तेरे, जब हम ते गुर्बत में खास रहे। ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट रिलेटिव्स, और के जो इसके अपने थे वो भी। ना कोई पास तेरे, जब ते खस्ता हालात तेरे, जब हम ते गुर्बत में खास रहे। ये झूठे हैं सारे, पैसे के भूखे हैं सारे, यस बनते खुदा है इनकी, खुद की अदालत गवाह है सारे। ओ भाई साहब, यार मैं बहुत, मुझे लगता है मैं रोकूंगा एक एक लाइन को सुनने के लिए। बनते खुदा है इनकी, खुद की अदालत गवाह है सारे। बेवफा है सारे, पड़े काम तो हवा है सारे। हो गए खून मिलावट या दौलत के खुमार में सारे। तूने बदला शहर, तूने छोड़ा वो घर जहाँ गुजरा था बचपन, तूने छोड़े वो यार जिन यारों के बिन नहीं कटता था। ओ अपने से बात कर रहा है, वो अपने से बात कर रहा है। ऑल्टर ईगो टाइप कह सकते हैं, लेकिन ऑल्टर ईगो तो नहीं हो सकता, बट अपने से वो बातें कर रहा है ब्रो, उमर से। खून मिलावट या दौलत के खुमार में सारे। तूने बदला शहर, तूने छोड़ा वो घर जहाँ गुजरा था बचपन, तूने छोड़े वो यार जिन यारों के बिन नहीं कटता था एक पल। अब याद आती ना सड़के वो कराची की, दो पहियों की गाड़ी पे जो सारी तूने नापी थी। ओके, सो ही इज फ्रॉम कराची बट लाहौर के अंदर रहता है। अब याद आती यारों की वो बैठक, वो ही दिन थे जो जी लिए, अब तो है बस सिर्फ दहशत। तेरे यार ही थे असल तेरी जिंदगी, पर ये असल जिंदगी तुझे कभी मिली ही नहीं। चारे क्यों ने इंतजार था तेरे घेरे कर टूट जाने का, पर तुझे मैं तो था ना हौसला हर मुश्किल से जूझ जाने का। तू था तब भी अकेला और आज भी है तू, लेकिन अब परवाज पे है तू, आगे जो आया उसे चीर देगा तू। ओके, भूल जा पास्ट को, अब तू कौन है ये देख भाई साहब। आज भी है तू, लेकिन अब परवाज पे है तू, आगे जो आया उसे चीर देगा तू। यस हाँ मुझे पता है कि ये जमाना है जाली, पर नहीं तेरी फितरत कैसे दे दे इसको तू गाली। और जो गुजर गई वो रात थी गम की, अब उजाला है काफी, तो उठ करते हैं एक नई कोशिश, शायद मिल जाए मंजिल। और इस दिल की धड़कन अब हर दम है कहती के चल उठ लगा ले एक बाजी, फिर जीत की उम्मीद की एक। ओ भाई आराम तेरी से। फितरत कैसे दे दे इसको तू गाली, और जो गुजर गई वो रात थी गम की, अब बुझाला है काफी, तो हाँ उठ करते हैं एक नई कोशिश, शायद मिल जाए मंजिल। और इस दिल की धड़कन अब हर दम है कहती के चल उठ लगा ले एक बाजी, फिर जीत की उम्मीद की एक नई किरण तेरे इंतजार में बैठी है, और वो भी यही कहती है कि अब बारी है तेरी, तो कैसे हाँ जीतेगा जब। ओके ब्रो, उसको खुद नजर आ रहा है और वो यही चीज सोच रहा है कि वो उसको क्या कह रहा है,
क्या कह रही है, जो भी चीज उसको नजर आ रही है, लाइक रोशनी, रोशनी उसको क्या सिखा रही है। ओके जय मंजिल और इस दिल की धड़कन अब हाँ हरदम है कहती के चल उठ लगा ले एक बाजी फिर यस जीत की उम्मीद की एक नई किरण तेरे इंतजार में बैठी है और वो भी यही कहती है कि अब बारी है तेरी। तो कैसे जीतेगा जब उठेगा ना बिस्तर से, सोची है मैं दूध तो क्या लड़े। तू कैसे जीतेगा जब उठेगा ना बिस्तर से, सुबह इससे मेरी बात हुई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर शॉट्स ले रहा है। मैंने इसको कहा भाई मैं अभी बिल्कुल सो के उठा हूँ, बेड में लेटा हूँ। ओके बारी है तेरी तो कैसे जीतेगा जब उठेगा ना बिस्तर से, सोची है मैं दूध तो क्या लड़ेगा तू दुनिया से। यस यस ब्रो यस दैट्स अ फैक्ट। जब उठेगा ना बिस्तर से, सोची है मैं दूध तो क्या लड़ेगा तू दुनिया से। मौत का पता नहीं तो जल्दी कर जो करना है, हाथ पे हाथ रखना है या खुद के लिए लड़ना है। यस यस ब्रो भाई साहब भाई सह लिया अब जितना तूने सहना था, अब वो वक्त नहीं रहा जब तू घुट घुट के जीता था। वो सहता था तू हर किसी की वो कड़वी बातें, अब वो ही तेरे शो पर राके हैं ताली बजाते। जाने क्यों रे इंतजार था तेरे गिर कर टूट जाने का, वो कड़वी बातें अब वो ही तेरे शो पर राके हैं ताली। तू घुट घुट के जीता था वो सहता था तू हर किसी की वो कड़वी बातें, अब वो ही तेरे जाने का। पर तुझ में तो था ना हौसला हर मुश्किल से जूझ जाने का, तू था तब भी अकेला और आज भी है तू, लेकिन अब परवाज पे है तू, आगे जो आया उसे चीर देगा तू। भाई साहब एको ब्रो, मैं इस उम्र आर्टिस्ट से उम्र से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ यार, बहुत ज़्यादा। लाइक मैंने इस चैनल पे ज़्यादातर रिएक्शन मेरे अंडर रेटेड आर्टिस्ट के लिए हैं, ज़्यादातर देख लो कि मेरे जो रिएक्शन होंगे ना ज़्यादा वो होंगे यंगस्टर्स, रैप डीमन, अगर कोई बड़े आर्टिस्ट हैं या फिर कलमकार। उसके अलावा मुझे बताओ मैंने किसके ऊपर रिएक्शन दिया ब्रो, सिर्फ ये अंडर रेटेड आर्टिस्ट हैं यार, इतने अच्छे अच्छे पता नहीं यार। लाइक एमवी में बनता है पता नहीं कहाँ से वो चला गया है उठ के, ठीक है यार उसकी मेहनत है उसने काफ़ी, लेकिन ब्रो लिरिसिज्म, नो लिरिसिज्म की माँ मैंने कर दिया, बट ही इज गुड यार, वाइब दे रहा है तो ठीक है। बट लिरिसिज्म की बात की जाए तो अंडररेटेड आर्टिस्ट हमारे बहुत अच्छे अच्छे हैं। अब यहाँ पे मैं किसी और को कम्प्लीमेंट नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पे बहुत एक मेरे सामने एक आर्टिस्ट है बहुत अच्छा, लाइक जिसने जिसके व्यूज आते हैं 50+ और उसने एल्बम निकाल लिया अपनी। ब्रो क्या है ब्रो, म्यूजिक से लव है ना ब्रो, सो सिक मैन सो सिक, सल्यूट है यार सल्यूट है यार बंदे को, क्या कहूँ मैं। सो भाई साहब आई थिंक सो दैट्स इट, मुझे तो आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, गाना भी बहुत डीप है यार, बहुत डीप है। गला मेरा ख़राब है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली रिएक्शन वीडियो में, लाइक करें कमेंट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह अगली रिएक्शन वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।